बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैथ से फर्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 6 की एक्सरसाइज है 6.10। आज हम डिफाइन करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस को कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है। हार्मोनिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच इज फॉर्म्ड by taking reciprocals of the terms of arithmetic sequence, arithmetic sequence। तो ये sequence कैसे बनेगा कि अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम रिकॉल कर लेते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद फिर हम हार्मोनिक सीक्वेंस की तरफ आते हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस पहले डिस्कस हो चुका है, बट लिटिल बिट रिव्यू कर लेते हैं इसका। अर्थमेटिक सीक्वेंस या APB इसको कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस या APB, अ सीक्वेंस इन विच difference between any two consecutive terms be the same, right? A sequence in which difference between any two consecutive terms be the same, like aap sequence likhte hai 2, 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन, ये आपके पास APB है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे 5-2 करें या 8-5 करें या 11-8 करें या 14-11 करें, ईच टाइम यू विल गेट व्हाट, 3। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजेक्टिव टर्म्स आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम है, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसकी जो जर्नल टर्म होती है दैट इज जर्नल टर्म की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म आपके पास होगी an इज इक्वल टू a1 + n-1 × d। an क्या है, nth टर्म है, इट इज व्हाट, nth टर्म। a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड डी इज व्हाट, डिफरेंस। ये आपके पास क्या आ गया जी, अर्थमेटिक सीक्वेंस और उसकी जनरल टर्म आ गई। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही एक और भी हमने फार्मूलेशन पढ़ी थी, दैट वॉज व्हाट, टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। उस पर्पज के लिए आप क्या करते थे कि अगर आपने टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स, अगर एन अर्थमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते होते थे, डी कैलकुलेट करते थे, b-a/n+1, एंड देन आपने ये करना होता था कि जो a1 होगा इट विल बी a+d, एंड a2 आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, a1+d लिख सकते हैं या a+2d लिख सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। a1 की जगह पे a1 की हमने स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। इसी तरह a3 अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये a2+d, यानी प्रीवियस में आप d ऐड कर दें या a में 3d ऐड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे बिटवीन a एंड b। लाइकवाइज आपने दो नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था, एक अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर्स के बीच में आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका भी फार्मूला हमने पढ़ रखा है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जस्ट वन अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करना हो तो इसका स्ट्रेट अवे फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a+b/2, राइट। तो ये इंसर्ट कैसे करने हैं आपने अर्थमेटिक मीन्स, इसकी फार्मूलेशन हमने पढ़ी कि पहले आप d कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद स्मॉल a और b आपके पास होंगे, तो स्मॉल a में d ऐड करेंगे, a1 आ जाएगा, a1 में d ऐड करें, a2 आ जाएगा, a2 में d ऐड करें, a3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस
चलता रहेगा अनटिल अनलेस कि आपके पास जितने भी इंसर्ट करने अर्थमेटिक मीन्स वो सारे के सारे आपके पास आ जाएं। और दो नंबर्स के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड करना है तो दिस इज द फार्मूला, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। अब देखें हम आज जो सीख रहे हैं वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस के बारे में हमने ये बात की कि ये सीक्वेंस डेवलप होता है कि अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस हो, जैसे वहाँ पे आपके पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन, ये आपके पास टर्म्स हैं किस में, एपी में। दीज नंबर्स फॉलो द अर्थमेटिक पैटर्न, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब अगर हम इन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स ले लें, 2 को आप लिखें 1/2, 5 को लिखें जी 1/5, 1/ करके अगर आप इनको लिखेंगे 1/8, 1/11, 1/14 अप टू सो ऑन, तो ये अब जो सीक्वेंस होगा ये आपके पास एचपी आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगा। तो हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलेशंस नहीं हैं। हमने जब भी कोई हार्मोनिक सीक्वेंस आपको गिवन होगा और उस पे काम करना होगा, उसकी टर्म का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी आ जाएगा। एपी के जितने भी फार्मूलाज हैं वो यूज़ करने हैं आपने, और एंड पे दोबारा जो भी रिजल्ट आएंगे उनका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो यू विल गेट व्हाट हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक टर्म या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दो एक फार्मूला हार्मोनिक मीन में हम यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी कैसे होगा, ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दो नंबर्स के बीच में अगर एक हार्मोनिक मीन आपने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला है 2ab/a+b। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी दो नंबर्स ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा तो फॉर दैट सेक आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2ab/a+b। लेकिन अगर आप ये कोई ये कहे कि दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करें या 4 या 6 या 10 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करें, तो उसके लिए हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। पहले हम ए और बी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, फिर उनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर लेंगे और उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स बन जाएंगे। राइट, ये बड़े गौर से देखिएगा, ये नोट अपने पास लिख लें, इस नोट की आपको काफ़ी ज़रूरत पेश आने वाली है। नोट, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन बी एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन वन ओवर ए एंड वन ओवर बी आर वन ओवर ए वन वन ओवर ए टू वन ओवर ए थ्री अप टू सो ऑन वन ओवर ए एन। तो देखें अगर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स हैं तो जो ए और बी हैं इनके रेसिप्रोकल्स के बीच में एन ज्योमेट हार्मोनिक मीन्स आप लिख सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस, कि आप क्या करेंगे उनका रेसिप्रोकल लेके यहाँ पे आ जाएंगे, अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर लेंगे उनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये आपको करना ही होगा कि आप सारी की सारी फार्मूलेशन अर्थमेटिक सीक्वेंस वाली ही यूज़ करेंगे। बट कैसे यूज़ करेंगे, स्टार्ट में रेसिप्रोकल लेना है, आप अर्थमेटिक में आ जाएंगे और फिर सारा अर्थमेटिक वाला काम करने के बाद एंड पे अगेन आपने रेसिप्रोकल्स ले लेने, तो यू विल गेट हार्मोनिक मीन्स। तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का जो हमारे पास जो भी हार्मोनिक मीन से रिलेटेड आपने कैलकुलेशंस करनी है, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप क्या करें, टर्म्स को रेसिप्रोकेट करें और टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद जो अर्थमेटिक फार्मूलेशंस हैं वो सारे यूज़ करके जो भी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक मीन्स कैलकुलेट कर लें या जो भी आपने जनरल टर्म कैलकुलेट करनी है वो कर लें और एंड पे जाके वापस रेसिप्रोकल ले लें। यानी स्टार्ट में रेसिप्रोकल लेना है, फिर अर्थमेटिक वाला सारा काम करना है और एंड पे अगेन रेसिप्रोकल ले लेना है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अर्थमेटिक से अगेन किस में चली जाएगी, हार्मोनिक में चली जाएगी। अच्छा जी, ये अब एक आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। अच्छा ये आपके पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, आपने इस हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th टर्म डिटरमिन करनी है। तो वी हैव नो डायरेक्ट फार्मूलेशन कि हम हार्मोनिक सीक्वेंस को लेके स्ट्रेट अवे 9th टर्म हम डिटरमिन कर लें। आपने करना कुछ यूं है कि पहले आप कंसीडर 3, 5 इसका रेसिप्रोकल ले लिया
रेसिप्रोकल लेने के बाद 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, जब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो इन एपी आ जाएगा ये, राइट। ये आपने इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके एक सीक्वेंस सेलेक्ट कर लिया और ये सीक्वेंस अब क्या होगा, एपी में आ जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। इसमें अब ए वन आपके पास 3 है और डी आप देखें 5 माइनस 3, तो डी इज व्हाट 2, डी भी आ गया, ए वन भी आ गया। अब आपने जनरल टर्म का फार्मूला लगाना है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे नाइन्थ टर्म आपने फाइंड करनी है, तो पुट एन इज इक्वल टू 9, ए वन आपके पास 3 है और डी आपके पास कितना है 2, तो ये आ जाएगा ए 9 इज इक्वल टू ए 1 3, 9 माइनस 1 डी आ गया 2, तो ए 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 3 19 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 19, तो ए 9 19 आ गया। अब आप लिखेंगे नाइन्थ टर्म इन हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस में जो नाइन्थ टर्म होगी वो क्या होगी आपके पास, 1/19 होगी, 1/19। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपने क्या करना है, नाइन्थ टर्म ही फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे रेसिप्रोकल्स लेने आपने, -5, -3, -1 अप टू सो ऑन, तो ये किस में आ जाएगा, इन एपी हो जाएगा, क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस है तो रेसिप्रोकल से आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। ए वन आपके पास -5 है, डी -3, -5, तो डी इज इक्वल टू -3 + 5 हो गया, डी इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब आपने जनरल टर्म यूज करनी है एपी की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म यूज करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, पुट नाइन्थ टर्म आपने यहाँ पे भी फाइंड करनी है, तो एन इज इक्वल टू 9, ए वन आपके पास -5 आ गया, राइट, एंड डी आपके पास है 2, तो ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो यू विल गेट नाइन्थ टर्म इन एपी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वी विल गेट व्हाट, ये आ गया। अब ए 9 इज इक्वल टू -5, 8 मल्टीप्लाई टू 16, 16 में से 5 माइनस करें तो यू विल गेट 11, तो ये नाइन्थ टर्म 11 आ गई है। तो अब आप लिखेंगे नाइन्थ टर्म इन एच पी, एच पी में जो नाइन्थ टर्म होगी दैट विल बी व्हाट, 1/11, राइट। ये आपके पास 1/11 नाइन्थ टर्म इन एच पी होगी। अच्छा, ये भी अब आपको हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन है इसकी, अच्छा ये आ जाएगा 2, 5, 8 अप टू सो ऑन इन ए पी। अब हमने 12 टर्म फाइंड करनी है, तो ए वन आपके पास 2 है, डी 5 माइनस 2, तो दैट इज 3। तो अब आपने जनरल टर्म यूज करनी है ए पी में, ये जनरल टर्म इन ए पी है आपके पास, इसमें पुट एन इज इक्वल टू 12, ए वन 2 है एंड डी आपके पास 3 है, राइट। ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करें, ए 12, ए वन इज 2, 12 माइनस 1 इंटू डी आ गया 3, तो ये ए पी की जनरल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और एंड पे रेसिप्रोकल लेंगे, स्टार्ट में हमने रेसिप्रोकल लिया है, तो 11 3 30 35 आ जाएगा, तो ये आ गया 35, राइट। तो अब लिखेंगे 12 टर्म, ये ए पी की 12 टर्म है, तो हमने 12 टर्म हार्मोनिक सीक्वेंस की फाइंड करनी है, इन हार्मोनिक सीक्वेंस, तो हार्मोनिक सीक्वेंस की जो 12 टर्म होगी ये 1/35 होगी। अच्छा, ये अब आपके पास 7th and 10th टर्म ऑफ एन ए पी है, एच पी हैं, 1/3 and 5/21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 14th टर्म, राइट। ये आपके पास 7th टर्म है, 1/3, एंड 10th टर्म है इज इक्वल टू 5/21। ये किस में, अभी तक इन एच पी, ये एच पी में, हम इनको ए पी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपने फाइंड क्या करना है, 14th टर्म फाइंड करनी है, 14th टर्म आपने फाइंड करनी है। इसको हम ज़रा रिवर्स करते हैं, ज़रा देखिएगा, ये एच पी में दी हुई है, इनको हम ए पी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन ए पी, ए पी में क्या होगा, 7th टर्म को हम लिखेंगे ए 7 इज इक्वल टू ए 7, ये उलट हो जाएगा, 3/1 या 3 लिखते हैं सिंपली, एंड 10th टर्म, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ए पी में 10th, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ए पी में होगा 21/5,
राइट। तो ए सेवन के लिए हमने क्या किया, 3/1 कर दिया, और टेंथ टर्म को ए टेन, ये एपी में आ गया, एपी में ये 21/5 आ गया। अब आपने 14th टर्म फाइंड करनी है, 14th टर्म आप फाइंड करेंगे, उसको रेसिप्रोकेट करके वापस एचपी में ले जाएंगे। तो अब इन एपी में जनरल फार्मूला क्या होता है, यू हैव रेट ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब ये 7 है 10 है, तो 7 और 10 पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू 7, देन n इज इक्वल टू 10, तो ए सेवन इज इक्वल टू ए वन प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए सेवन की वैल्यू दैट इज 3 इज इक्वल टू ए वन प्लस 6 डी, राइट। इसको 1 का नाम दे दें और 10 पुट करें यहाँ पे, ए 10 इज इक्वल टू ए वन प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 10 की वैल्यू दैट इज 21/5, 21/5 ए वन प्लस 9 डी, इट इज 2। अब आपने करना यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने साइमल्टेनियसली और ए वन और डी की वैल्यू डिटरमिन करना है, राइट। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 1-2 इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू ए वन प्लस 6 डी, एंड 21/5 इज इक्वल टू ए वन प्लस 9 डी, जस्ट माइनस करें इन्हें। तो जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास a1 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -3d, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3-21/5, इसके अवर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये एलसीएम ले लें इसका, तो दैट इज 15-21/5 इज इक्वल टू -3d, राइट। तो ये आ जाएगा -6/5 इज इक्वल टू -3d, इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद आंसर आ गया। अब 3 की और 6 की कटिंग होगी, तो डी विल बी इक्वल टू 2/5, इट इज 2/5, तो डी आ गया आपके पास। अब डी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक इक्वेशन में, सो दैट टू गेट, हम a14 इधर लिख देते हैं, एंड अच्छा जी, तो अब d की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5, राइट। इस वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें 3 इज इक्वल टू ए वन प्लस 6 इंटू 2/5, तो यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ए वन, 6 2s are 12/5, अच्छा जी ये अब आ जाएगा 3-12/5 इज इक्वल टू ए वन, 5 3s are 15, तो 3/5, दिस इज व्हाट ए वन। तो ए वन की वैल्यू भी आ चुकी है, डी की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हमने ए 14 फाइंड करना है। तो ए 14 के लिए आप क्या करेंगे, अगेन जर्नल टर्म लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है, एन इज इक्वल टू आपके पास कितना है 14, ये 14 टर्म फाइंड करनी है, तो एन 14 है, राइट। ए वन आपके पास कितना है 3/5, एंड डी इज व्हाट, दैट इज 2/5, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस इज ए 14 इज इक्वल टू ए वन 3/5, 14-1 और डी है 2/5, तो ये आंसर आपके पास जो आएगा 3/5 प्लस ये 14-1 13 2s are 26/5, तो ये ए 14 इज इक्वल टू 29/5 आ जाएगा। तो 14th टर्म इन एचपी, हमने एचपी में 14th टर्म फाइंड करनी है, तो जस्ट इसका आप क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट। तो दिस इज योर आंसर। अब इसमें भी ऐसे ही है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एचपी, तो एचपी में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको पहले यहां पे लिखते हैं, इन एचपी, एचपी में क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1/3, और उसके बाद फिफ्थ टर्म इट इज 1/5, ये एचपी में है, और नाइन्थ टर्म आपने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है, राइट। नाइन्थ टर्म आपने डिटरमिन करनी है,
तो इसको एपी में ले जाते हैं सारे प्रॉब्लम को। तो एपी में कैसे लेकर जाएंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ए वन लिखेंगे और ये माइनस थ्री बाय वन हो जाएगा। एंड सिमिलरली ए फिफ्थ है, ये फिफ्थ टर्म है तो ए फाइव जब करेंगे तो ये फाइव बाय वन हो जाएगा। ये ए वन और ए फाइव की वैल्यू आपको नाउन है, आपने नाइन्थ टर्म, तो ए वन और डी हमें चाहिए होता है, तो ए वन और डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल टर्म यूज करेंगे। एस ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, पुट एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू फाइव और ए वन आपके पास कितना है माइनस थ्री। अब ये वैल्यूज पुट करें, ए फाइव, ए वन की वैल्यू माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, ए फाइव के नीचे फाइव की वैल्यू पुट कर दें, फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर डी, दिया जाएगा फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर डी, एट बाय फोर इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू टू आ जाएगा, डी आपके पास कितना आ जाएगा टू। अब डी और ए वन आ चुके हैं, अब हमने टर्म कौन सी फाइंड करनी है, नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। तो नाइन्थ टर्म के लिए अगेन आपने जर्नल टर्म यूज करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, राइट। तो अब आपने क्या करना है, पुट एन इज इक्वल टू नाइन, ए वन की वैल्यू इज माइनस थ्री एंड डी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज टू। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें, ए नाइन इज इक्वल टू ए वन माइनस थ्री है, एन आपके पास नाइन माइनस वन और डी आपके पास टू आ गया, तो ए नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये एट आएगा, एट टू जा सिक्सटीन, तो ए नाइन इज इक्वल टू थर्टीन। तो ये अभी तक हमने जो काम किया ये ए पी में किया है, हमें एच पी में नाइन्थ टर्म डिटर्मिन करनी है। तो अब नाइन्थ टर्म इन एच पी क्या होगी, नाइन्थ टर्म इन एच पी इज इक्वल टू थर्टीन का वन बाय थर्टीन आ जाएगी, राइट। अब इफ फाइव इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू एंड फाइव, अब यहां पे हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को, जरा मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। हार्मोनिक मीन फाइव है और फर्स्ट टर्म आपके पास ये ए लेंगे, इसको टू है, तो बी आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है, राइट। ये दो नंबर्स हैं टू एंड बी, इनके बीच में हार्मोनिक मीन आपको गिवन है दैट इज फाइव, तो आपने क्या करना है, बी की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, सिंस हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू टू ए बी और ए प्लस बी, राइट। तो अब आपने हार्मोनिक मीन के नीचे हार्मोनिक मीन की वैल्यू पुट करनी है, इट इज फाइव, ए के नीचे ए की वैल्यू पुट करनी है, बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू टू प्लस बी, तो ये आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू फोर बी अवर टू प्लस बी, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, फाइव इंटू टू प्लस बी इज इक्वल टू फोर बी, फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करें, फाइव टू जा टेन प्लस फाइव बी इज इक्वल टू फोर बी, फाइव बी को दूसरी साइड पे ले जाएं, फोर बी माइनस फाइव बी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट इज माइनस बी, तो बी इज इक्वल टू माइनस, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बी की वैल्यू डिटरमिन कर ली। तो टू और माइनस टेन का अगर आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी फाइव। अच्छा जी, ये वन ओवर के, वन ओवर टू के प्लस वन, वन ओवर फोर के माइनस वन, ये एच पी में आपने के फाइंड करना है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज एज वन बाय के, वन बाय टू के प्लस वन, 1 बाय फोर के माइनस वन आर इन एच पी, ये किस में, हार्मोनिक सीक्वेंस में। तो दिस इंप्लाइज इनका जो रेसिप्रोकल होगा के टू के प्लस वन, फोर के माइनस वन आर इन ए पी, ये ए पी में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अगर ये ए पी में, तो ए पी में कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लें फिर दूसरी दो टर्म्स का डिफरेंस लें। तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 2k प्लस वन माइनस के सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, 4k माइनस वन, माइनस के बाद अगर मल्टीपल टर्म्स हो ना, जैसी पे ज्यादा टर्म्स है तो ब्रैकेट लगा के आपने उन टर्म्स को लिखना है माइनस के बाद।
टू के में से एक के माइनस करें, के प्लस वन आ जाएगा, फोर के माइनस वन माइनस टू के माइनस वन। तो फोर के में से आप माइनस करें टू के, तो टू के माइनस टू आ गया, राइट। अब आप के को इस साइड पे लें और टू को इस साइड पे लें, तो आ जाएगा माइनस टू, तो ये प्लस टू हो जाएगा इधर आके, टू के माइनस के, तो ये थ्री इज इक्वल टू के आ जाएगा, या के इज इक्वल टू थ्री आ गया। अब आपके पास ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस वैल्यू के लिए इस फार्मूले को हम एज अ हार्मोनिक मीन ट्रीट कर सकते हैं। सिंस जो एक्चुअल हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो आप लिखें ए टू ए बी और ए की एन प्लस बी की एन, राइट। इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग वन एंड टू, वन और टू को आप कंपेयर करें एंड लेट्स सी के क्या आता है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है दोनों, तो आ जाएगा ए की एन प्लस वन प्लस बी की एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए की एन प्लस बी की एन इज इक्वल टू टू ए बी ओवर ए की एन प्लस बी की एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है ए प्लस बी, इट इज़ नॉट ए की एन बी की एन, इट इज़ ए प्लस बी, टू ए बी ओवर ए प्लस बी। हार्मोनिक मीन का फार्मूला फिर से याद कर लें, टू ए बी ओवर ए प्लस बी, टू ए बी ओवर ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए की एन प्लस वन प्लस बी की एन प्लस वन इन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए बी ए की एन प्लस बी की एन। इनको मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम तो पावर जेड हो जाएंगी, प्लस वन ए की एन प्लस वन इंटू बी, बी की एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी की एन प्लस वन, और ये वन वन आ गया प्लस वन, इज इट। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, टू ए, ए की पावर ये वन और ये ए की एन, बेसिस सेम जब मल्टीप्लाई होती हैं पावर जेड हो जाती हैं, एन प्लस वन इंटू बी प्लस टू ए बी की ये वन और ये एन, तो बी की पावर जेड होंगी आपकी बार एन प्लस वन, राइट। अब आपने करना यह है कि ये जो ए और बी वाले ना इनको इधर ही रहने दें, और ए बी वाले जो प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि इधर भी ए इंटू बी आ रहा है और ये ए इंटू बी, बी इंटू ए या ए इंटू बी ये सेम है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें। जो सिंपल सिंपल वाले ये देखें ये सेपरेट ए ही है, इसको आप इधर ही रहने दें, और ये बी की एन प्लस टू इसको भी इधर ही रहने दें, बाकियों को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें और साथ में रीअरेंज भी कर देंगे। ये आ गया, यह आ जाएगा माइनस ए की एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए बी की एन प्लस वन। अब ये दोनों सेम है, देखिए दिस एंड दिस आर सेम, ये और ये सेम है, तो इनके कोफिशियंट माइनस होंगे, टू में से वन माइनस करें तो वन, ये आ गया एन प्लस टू, तो ये ए की एन प्लस वन इंटू बी आ गया और ये ए बी की एन प्लस वन आ गया, राइट। ये इसमें से इसको माइनस किया और ये कोफिशिएंट टू में से वन माइनस करें तो ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि ए की एन वालों को एक साइड पे कर लेना है और बी की एन वालों को एक साइड पे, तो इसको हम इधर ले आते हैं और इसको दूसरी साइड पे स्विच कर देते हैं। ए की एन प्लस टू माइनस ए की एन प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू ए बी की एन प्लस वन माइनस बी की एन प्लस टू। अब आप सिंपली जो कॉमन ले सकते हैं वो लेफ्ट साइड पे ए की पावर एन कॉमन ले सकते हैं और राइट साइड पे बी की पावर एन कॉमन, वैसे एन प्लस वन भी कॉमन लिया जा सकता है, बट अब एन कॉमन ले लें, नो नीड टू बी वरी, ये टू बचेगा माइनस ए बी, राइट। ये देखें ए एन कॉमन चला गया, एन खत्म हो जाएगा, ए की टू आ जाएगा, ए की वन आ जाएगा, यह आ गया इज इक्वल टू राइट साइड से बी की एन कॉमन ले लें, बी की एन कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी की पावर टू, राइट। बी की एन हमने क्या कर लिया, कॉमन ले ली। अब फर्दर इसमें से ए कॉमन ले लें, ए माइनस बी, ये वन स्टेप में भी आप ले सकते हैं, जस्ट सिंपलिसिटी के लिए हमने ये काम किया है। अच्छा ये जब यहां से बी की एन कॉमन लेंगे ना, एन छोड़ देंगे दोनों में से, b की 1 और a b की 1 माइनस b की 2 बच जाएगा,
अब यह आ जाएगा बी की एन इंटू एक और बी कॉमन लिया अगले स्टेप में, ये ए माइनस बी से कैंसिल हो गया। अब यह आ जाएगा ए की एन इंटू ए, बी की एन इंटू बी। आपने क्या करना है, शफलिंग करनी है, बी की एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एन के साथ आके डिवाइड करना है, और बी ओवर ए, ये बी ओवर ए है ना, ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा बी के एन इधर, इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया और ए को इधर लाके डिवाइड, यानी एन वाले एक साइड पे कर लिए और विदाउट एन वाले एक साइड पे। अब इसको लिखा जा सकता है ए ओवर बी की पावर एन, और इसको लिख सकते हैं बी ओवर ए की पावर वन। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर बेस ए ओवर बी, इधर बी ओवर ए, इसको अब सेम्स करना होगा बेसिस को, तो सेम करने के लिए हम इस फ्रैक्शनल को, फ्रैक्शन को ना रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ये जब भी किसी फ्रैक्शन को उल्टाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये अगर ए ओवर बी की पावर एन है ना, तो जब आप बी ओवर ए करेंगे तो ये माइनस एन हो जाएगा। अगर ए ओवर बी की पावर टू है तो जब बी ओवर ए करेंगे तो पावर माइनस टू हो जाएगी। तो ये जब भी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ए ओवर बी दोनों में सेम है, ये कट जाएगा, तो एन इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपको गिवन है कुछ टर्म्स ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन ए पी टू शो ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन एच पी, इनको एच पी में शो करना है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने मूव करना है। सिंस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन ए पी, अगर ये ए पी में, तो दिस इंप्लाइज बी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। एपी में क्या होता है, हर दो कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो अब ये गिवन है कि एपी में है, तो सो दैट इज व्हाई इन दो का डिफरेंस, इन दो का डिफरेंस इट मस्ट बी इक्वल। तो ये आपको एक कंडीशन गिवन है, इसको यूज करते हुए आपने प्रूव करना है टू शो ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन एच पी, इनको एच पी में प्रूव करने। अब एच पी में प्रूव करने के लिए, फॉर दिस टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपने, वन ओवर ए प्लस बी वन ओवर सी प्लस ए वन ओवर बी प्लस सी आर इन ए पी, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो ए पी में हो जाएगा। आई ई अगर ये ए पी में है तो हमने क्या प्रूव करना है, वन ओवर सी प्लस ए माइनस वन ओवर ए प्लस बी इज इक्वल होगा वन ओवर बी प्लस सी माइनस वन ओवर सी प्लस ए, राइट। ये हमने डिफरेंस को इक्वल शो करना है। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, या पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे ना एलसीएम पहले ले लेते हैं। यह आ गया ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, एंड दिस इज बी प्लस सी इन टू सी प्लस ए, यह देगा सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, राइट। सी को सी से काट दें, ए को ए से काट दिया, तो यह आ जाएगा बी माइनस सी अवर सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी अवर बी प्लस सी इन टू सी प्लस ए, इज इट। अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड रख के ना इस पे कुछ थोड़ा बहुत काम करने के बाद ये कंडीशन आपने डेवलप करनी है। ये देखें बी स्केयर माइनस ए स्केयर है, ये ए प्लस बी आपको नजर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके ना इस पे थोड़ा बहुत हम काम करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो यहीं से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट। अब देखिएगा जरा, हमें अगर बी स्केयर माइनस ए स्केयर होगा तो इसकी वैल्यू हम सी स्केयर माइनस बी स्केयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये लेट्स इसका मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ प्लस में, तो बी प्लस ए में पहले लिख देता हूँ, राइट। अब यहां पे आपने एक काम करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब नीचे तो बी प्लस ए बी माइनस ए स्ट्रेट अवे फार्मूला डेवलप हो गया, तो बी माइनस सी इन टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इन टू बी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब आप बी स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज बी माइनस सी इन टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय, यह आ गया सी प्लस ए इन टू, इसकी वैल्यू बी स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह पे ना इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू कहां पे, ये देखें बी स्केयर माइनस ए स्केयर की वैल्यू, तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर की वैल्यू सी स्केयर माइनस बी स्केयर, राइट, यह आ गया सी स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन कर दे और इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इससे बाहर एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, लेट सी कि ये कैसे होगा, देखें जब बाहर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इनसाइड पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह ये जब इसके बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सी प्लस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, तो सी माइनस बी को सी माइनस बी से कैंसिल कर दें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड यू कैन सी कि ये राइट हैंड साइड बन चुकी है, तो ये आ गया ए माइनस बी ओवर सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी विच इज व्हाट, राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज वन ओवर ए प्लस बी वन ओवर सी प्लस ए वन ओवर ए प्लस सॉरी बी प्लस सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में तो इनका जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में होंगे, एच पी में, तो ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन एच पी, तो ये एच पी में आ गया। अच्छा जी, ये द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू 4/7, तो फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सीक्वेंस फाइंड करना है, हमने हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट, ये एचपी में सारा कुछ, ये इन एचपी है, राइट, ये सारा काम आपके पास एचपी में है, तो अब हम इसको एपी में लेकर जाते हैं, देखें द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एचपी, राइट, इसको पहले लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू 4/7, ये मीन टू से फर्स्ट टर्म है प्लस फिफ्थ टर्म है 4/7, तो अगर ये एच पी में टर्म्स का सम 4/7 है तो इनकी जो रेसिप्रोकल टर्म्स होंगी ये एच पी में है, ये एच पी में है, तो अब हमने एपी में लेकर जाना है, तो एपी में फर्स्ट टर्म को 1/a1 इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये एपी में आ जाएगा, और फिफ्थ टर्म का रेसिप्रोकल लिखेंगे a5 तो ये अब एपी में आ जाएगा, राइट साइड को नहीं उल्टाना आपने, ये अब आ गया इन एपी, राइट, तो ये देखें टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल लिया 1/a1, फिफ्थ टर्म का रेसिप्रोकल 1/a5, तो अब ये जो आपके पास टर्म्स आ गई हैं ये किस में, एपी में आ गई हैं, राइट, तो अगर ये एपी में है और ये फर्स्ट टर्म एचपी में आपको गिवन है, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं, अब फर्स्ट टर्म इन एचपी आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज 1/2, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ए वन इज इक्वल टू 2/1, ये किस में आ जाएगा, इन एपी में आ जाएगा, राइट, जब एपी में ए वन आ गया, ए वन इज इक्वल टू 2, तो अब इसकी वैल्यू आप 1 में पुट कर दें, डी हमने आप डिटरमिन करना है, तो पुट इन 2, पहले इसको कर देते हैं, 1/2 प्लस 1/a5 इज इक्वल टू 4/7, अब इसको दूसरी तरफ जाके माइनस कर दें, 1/a5 इज इक्वल टू 4/7 माइनस 1/2, तो यह आ जाएगा 7 × 2 = 14, 8 − 7 तो इट इज 1/14, तो a5 आपके पास कितनी आ गई, a5 आ गई 14 के इक्वल, ये a5, अब ये ap में है तो सिंस इन ap, AP में जनरल टर्म जो होगी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d होगी, अब n a5 है ना, तो n को 5 पुट करें, n इज इक्वल टू 5 और a1 भी आपको गिवन है, a1 आपके पास कितना है 2 है, तो अब ये पुट करें,
a5 इज इक्वल टू a1 इज टू 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a5 के नीचे a5 की वैल्यू पुट करें, 14 माइनस 2 यह आ गया 4d, 12 बाय 4 तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये आपके पास d भी आ गया। अब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे फाइंड करते थे? अर्थमेटिक सीक्वेंस हम ऐसे फाइंड करते थे कि फर्स्ट टर्म लेते थे, उसमें d ऐड करते थे, नेक्स्ट टर्म फिर d ऐड करते थे, उसमें नेक्स्ट टर्म। तो सो ए पी क्या होगा? ए पी पहले a1 लिखे हैं, 2 में आप डी की वैल्यू 2 में ऐड करें, 2 प्लस 3 इट इज 5। अब 5 में अगेन डी यानी 3 अगेन ऐड करें तो ये 8, इसमें फिर आप डी ऐड करें, 3 ऐड करें तो ये 11 अप टू 1, ये आपके पास आ गया ए पी। हैंस हमने क्या कैलकुलेट करना था? हार्मोनिक सीक्वेंस कैलकुलेट करना था, राइट? हार्मोनिक सीक्वेंस इज, तो हार्मोनिक सीक्वेंस अब क्या होगा आपके पास? ये 1/2 इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/5, 1/8, 1/11 अप टू सो ऑन। तो दिस इज हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा जी, अब ये आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है बिटवीन ए एंड बी, राइट? हमने इनका ना स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज करना है, नथिंग एल्स। ये जी आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। एंड एच इज व्हाट? हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो दो नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है वो है a प्लस बी बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास स्केयर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन है आपके पास 2ab और a प्लस बी, ये आ गया। अब आपने करना ये है कि प्रूव हमने ये करना है, टू शो जी स्केयर इज इक्वल टू a इंटू एच। अब g के नीचे g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, इधर प्लस माइनस भी लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्केयर है तो स्केयर की वजह से माइनस तो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा, ये निग्लेक्ट हो जाएगा, राइट? ये आ गया a आपके पास। अर्थमेटिक मीन कितना है? a प्लस बी बाय 2, और हार्मोनिक मीन इज व्हाट? 2ab बाय a प्लस बी। तो a प्लस बी से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो ab इज इक्वल टू ab, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आ गया एज रिक्वायर्ड, ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, ये अब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपने डिटरमिन करना है, और उसके बाद ये शो भी करना है। तो जस्ट आपने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं हम, ये फार्मूला लगाना है ए प्लस बी बाय 2, तो ए की वैल्यू माइनस 2, बी की वैल्यू माइनस 6 बाय 2, तो इट इज माइनस 8 बाय 2, तो ये माइनस 4 आपके पास क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन आ गया। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दिस इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, तो यह आ जाएगा माइनस 2 इन टू माइनस 6, प्लस माइनस के साथ आप करेंगे ये, तो प्लस माइनस 6 टू जा 12, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। एंड द लास्ट वन इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एच से इसको डिनोट करेंगे सिंपली, 2ab और a प्लस बी, तो 2a की वैल्यू माइनस 2, बी की वैल्यू माइनस 6, माइनस 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6 4 24, और माइनस 8 तो ये 3 आ जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही होगा, इट इज माइनस। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू दिस। अच्छा जी, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, हार्मोनिक मीन भी आ गया, और अर्थमेटिक मीन भी आ गया। नाउ टू प्रूव हमने क्या करना है? ए इज इक्वल टू जी एच, राइट? सॉरी, जी स्केयर इज इक्वल टू, जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच। जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, प्लस माइनस 12 का स्केयर, ए आपके पास माइनस 4 आ गया, एच माइनस 3 आ गया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, और प्लस ये स्केयर की वजह से माइनस ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इट इज ऑनली 12, और 4 3 जा 12, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इट? तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना, ये अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मीन प्रोपोर्शन होता है, यानी जब
अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का आप मीन प्रोपोर्शन लेंगे तो यू विल गेट व्हाट ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपने जहन में रखना है। तो जी स्केयर से हम ये इसको इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्लस माइनस वाला जो फैक्टर है वो डिस्टर्ब ना करे। अब इसमें भी यही तीन चीज़ें फाइंड करनी है, सेम इज़ द क्वेश्चन। पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं ए प्लस बी बाई टू, देन हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, एंड फाइनली वी विल डिटरमिन व्हाट हार्मोनिक मीन विच इज़ टू ए बी आवर ए प्लस बी। अब वैल्यू सब्सिट्यूट करें और वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू टू आयोटा प्लस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई टू सिक्स आयोटा बाई टू, तो ये आ जाएगा थ्री आयोटा इज इक्वल टू ए। तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू आयोटा इन टू फोर आयोटा, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस एट आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर कितना हो जाएगा माइनस वन, बल्कि ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एट इन टू आयोटा स्केयर तो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस एट आयोटा आ गया, राइट। एंड हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं फाइनली टू आयोटा इन टू फोर आयोटा डिवाइडेड बाई टू आयोटा प्लस फोर आयोटा, यह आ जाएगा एट आयोटा स्केयर आवर सिक्स आयोटा, एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज फोर बाय थ्री आयोटा, इट इज व्हाट हार्मोनिक मीन। अब आपने करना यह है कि प्रूव करना है, नाउ टू शो। अब आप ये तीन रिजल्ट आ गए, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब आपने ये शो करना है कि जी स्केयर होगा ए इंटू एच के इक्वल। तो जी के नीचे जी की वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू ए, आपके पास कितना है थ्री आयोटा, एंड फोर बाय थ्री आयोटा है एच वैल्यूज। तो एट का स्केयर 64 हो जाएगा, आयोटा स्केयर ये माइनस स्केयर की वजह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फोर आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन आ गई, इज इक्वल टू फोर इंटू माइनस वन। अच्छा जी, ये लिटल मिस्टेक है, इसको हम कर देते हैं स्केयर रूट एट, ये स्केयर रूट एट एज इट इज आएगा नीचे, एंड दिस इज टू, तो ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था टू, तो ये आ जाएगा एट टू ज़ा 16, राइट, 16 बाय 6 एंड वी गेट 8 बाय 3, राइट। अब इस पे आपने स्केयर रूट डालना मत भूलिएगा, ये स्केयर रूट डालेंगे तो इट इज़ व्हाट 8, ये आ गया 8, और इस साइड पे आपके पास है 8 बाय 3, तो ये 8 आ जाएगा आयोटा स्केयर माइनस 1, तो नाउ दिस इज ट्रू, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये केयरफुल कर रह के करिएगा क्वेश्चन ताकि मिस्टेक ना हो। अब आपने अर्थमेटिक मीन, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, और फिर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है स्केयर रूट ए बी का प्लस माइनस के साथ, एंड ज्योमेट्रिक मीन के बाद हार्मोनिक मीन, इट इज़ टू ए बी आवर ए प्लस बी। तो ए इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आवर 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा जी, ये अब आ गया आपके पास 13 बाय 2 एंड दिस इज जी, प्लस माइनस 36 का 6 आ जाएगा, एंड द लास्ट वन इज ये देखते हैं क्या आता है, 36 72 बाय 13, ये हार्मोनिक मीन आ गया। अब आपने शो करना है, टू शो जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, जी इज व्हाट प्लस माइनस 6 का स्केयर, ए 13 बाय 2 एंड दिस इज 72 बाय 13, 13 13 से गया 36, और ये 6 का स्केयर 36 माइनस अब्जॉर्ब हो जाएगा, इवन पावर है स्केयर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर आ गया। अच्छा, एक बात आप जहन में रखिएगा कि ज्योमेट्रिक मीन, चूंकि मीन प्रोपोर्शन होता है बिटवीन अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन, तो सो ये जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ये हमेशा जो है ना अर्थमेटिक और हार्मोनिक के इन बिटवीन कहीं पर लाई करेगा। इसकी वैल्यू जो हार्मोनिक से आगे नहीं हो सकी, अर्थमेटिक से पहले नहीं हो सकती। अच्छा जी, आपने ये प्रूव करना है, पहले अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है और ये वेरीफाई करना है, और यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन रखना है वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ज्योमेट्रिक मीन की। तो आप ज्योमेट्रिक मीन की, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ये रिजल्ट होल्ड करेगा जब अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों रियल हैं।
अगर इनमें से एक भी इमेजिनरी हो गया तो ये रिजल्ट फिर नहीं प्रूव किए जा सकते। ये देखें अंडर सर्टन कंडीशन ये रिजल्ट होल्ड करते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इनको हमेशा के लिए आपने नहीं याद रखना, ये उस केस में कि जब ए बी आपके पास रियल नंबर्स हों। तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन, इट इज़ व्हाट 10/2 तो विच इज 5। अब इसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन तो प्लस माइनस की आप ज़रूरत नहीं है, 2 × 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 16 × 4। तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन रखना है, जी इज़ ग्रेटर देन 0 मीन जी पॉजिटिव केस लेना है। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस होता था, प्लस माइनस, लेकिन अब ये जी ग्रेटर देन 0 है मतलब जी पॉजिटिव है, तो सो वी इग्नोर प्लस माइनस, राइट। तो ये जी आ गया। अब इसके बाद हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, इट इज़ 2ab और a प्लस बी, तो 2 × a, ए 2 आ गया, बी 8 आ गया, 2 + 8 तो ये आ जाएगा 32/10 तो इट इज़ 3.2, तो ये हार्मोनिक मीन आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, जो शो करना है ना बस वो लिख के उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें और चेक करें कि ये ऑर्डर फॉलो करती हैं कि नहीं करते। टू शो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, एंड हार्मोनिक मीन इज़ द मोस्ट लीस्ट वैल्यू। तो ए आपके पास 5 आ गया, जी आपके पास 4 आ गया, और ये 3.2, तो इट इज़ द ऑर्डर। देखें 5 ग्रेटर होता है 4 से और 3.2 से 4 ग्रेटर है, तो हैंस ट्रू। अब आपके पास ये सेकंड है जी, अब नेगेटिव केस लेना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी बाय 2। ए आ गया -2/5 -8/5 और 2, तो ये आ जाएगा -10/5 और 2 × 5 = 10, तो ये -1 आ जाएगा, राइट। ये अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है, जी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब देखें जी इज़ लेस देन 0 मीन टू से जी नेगेटिव रखना है, यहाँ पे माइनस चिपका देंगे, राइट हो गया। अब आपने करना है -a की वैल्यू कितनी है, -2/5 और ये आ गई -8/5, तो राइट ये आ गया -16/25, तो ये -4/5 आ जाएगा, ये जी की वैल्यू आ गई। दिस इज़, अगर आप इसको चेक करें तो ये 0.8 आता है माइनस के साथ, ठीक है। कैलकुलेटर से आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें, सो दैट कंपेरिजन में आपको फिर काफ़ी ईजी होगा ये कंपेयर करना। इसके बाद हार्मोनिक मीन, तो इट इज़ 2ab और a प्लस बी, तो 2a की वैल्यू -2/5, b की वैल्यू -8/5 एंड दिस इज़ -2/5 -8/5, तो मल्टीप्लाई करें, ऊपर आ जाएगा 32/25 एंड नीचे आ गया -10/5, तो इट इज़ व्हाट, 5 × 2 = 10 और 2 × 16 = 32, तो यह आ जाएगा 16/25। कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा कि ये हार्मोनिक मीन कितना आता है, ये कैलकुलेटर से अब आपने सॉल्व करना है। वी हैव नो कैलकुलेटर सो वी लीव इट एज इट इज़ टू प्रूव। अब आपने टू वेरीफाई या टू प्रूव करना है, ए इज़ लेस देन जी इज़, देखें जी सेंटर में आ रहा है, तो जी इज़ बेसिकली मीन प्रोपोर्शन बिटवीन अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन। अगर कोई डाटा का अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन आपको गिवन है और कहा जाता है कि आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, तो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला, जी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एच। अर्थमेटिक और हार्मोनिक का प्रोडक्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिक का स्केयर के इक्वल होगा, राइट। तो ए की वैल्यू -1 है, ये 0.8 एंड दिस इज अगेन -16/25 विच माइट बी लेस देन 0.8, तो ये आपके पास देखें 1 - 1 ग्रेट लेस होगा -0.8 से और ये लेस होगा, जिससे तो ये ट्रू हो गया केस। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है, इट इज व्हाट, ये है 4 और हार्मोनिक मीन गिवन है, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस आता है, तो सो वी टेक द पॉजिटिव केस ओवर हियर। ये 16/5 है आपके पास हार्मोनिक मीन, तो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बी द नंबर्स, लेट ए एंड बी बी द नंबर्स, ये आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। तो अब आपने करना, ये सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन
इट इज़ व्हाट स्केयर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 4 है, अंडर रूट ए बी स्केयरिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ए बी या ए बी इज इक्वल टू 16, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और फिर हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज करें, दैट इज व्हाट 2 ए बी अवर ए प्लस बी, राइट। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू पुट करें 16 अवर 5, 2 ए बी की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है तो ए बी की वैल्यू 16 है तो ये 16 सब्सिट्यूट कर देते हैं ए प्लस बी, राइट। 16 16 से कैंसिल हो गया, 5 को उधर मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी तो ये आ गया 5 इंटू 2 तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। अब आपको ये बात पता है कि जब भी अर्थमेटिक हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ये गिवन होते हैं एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, दैट इज ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4 ए बी, राइट। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी आ गया 10 का स्केयर माइनस 4 ए बी, ए बी 16 है तो ये 100 माइनस 64 इट इज़ व्हाट 36, तो ये ए माइनस बी आपके पास का स्केयर 36 स्केयर रूट ले लें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 आ गया। अच्छा जी, अब हम 2 और 3 को पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, बी बी से कैंसिल हो गया, 2 ए इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 8 आ गया, राइट। ए की वैल्यू आ गई, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 2 माइनस 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये आ गया, ये आपके पास ए ए से कट गया, 2 बी इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर। अच्छा यहां पे ना जब स्केयर रूट लेते हैं आप तो प्लस माइनस लगा के आप केसेस भी बना सकते हैं, बट नो नीड ऑफ डैट, हम क्योंकि ए और बी आर्बिट्रेरी हैं तो हम प्लस वाला केस लेके भी कर सकते हैं, अगर उस तरह करेंगे तो ए और बी की वैल्यू शफल हो जाएगी, जो ए है वो बी बन जाएगा, जो बी है वो ए बन जाएगा, बाकी चीज। हार्मोनिक मीन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्मोनिक मीन इज व्हाट, इट इज 4 एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हार्मोनिक मीन के साथ अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है, अर्थमेटिक मीन आपके पास है 9/2 और हार्मोनिक मीन है 4, ए और बी की वैल्यूज। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी द नंबर्स, ये ए और बी नंबर्स है हमारे पास, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2 ए बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको 1 का नाम दे दें, और अर्थमेटिक मीन के नीचे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखें, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, 2 से कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, इसको 2 का नाम दे दें। अब ये वैल्यू आप 1 में यूज करें, राइट, पुट इन 1, 2 ए बी और 9 इज इक्वल टू 4, तो ये ए बी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके 2 डिवाइड हो जाए तो ये आ जाएगा 18, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 18, इसको 3 का नाम दे दें, राइट। अब आप वही फार्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले हम करते आए, दैट इज व्हाट, सिंस ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4 ए बी, इसमें आप वैल्यू सब्सिट्यूट करें, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 9 का स्केयर और ए बी की वैल्यू कितनी है 18, तो यह आ जाएगा 81 एंड दिस इज 72, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर, राइट। तो ये अब आप स्केयर रूट ले लें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको आप 4 का नाम दे दें। अब 2 और 4 को हम एक दफा ऐड कर देते हैं, राइट, एंड एक दफा 2 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए एंड बी हमने डिटरमिन करने थे और वो इस केस में आ जाएंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो ये बी बी से कैंसिल हो गया, 2 ए इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6, एंड लाइकवाइज जब इन्हें माइनस करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो ये ए ए से कट गया, 2 बी इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ए ए आर बी 3 कंजेक्टिव टर्म्स, कंजेक्टिव टर्म्स इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
तीन कंजेक्टिव टर्म्स हैं, इनमें से आपने रिस्पेक्टिवली माइनस करना है, ए बाय आर में से आपने माइनस करना है 1/2 एंड सेकंड में से ए माइनस 4/21 एंड नेक्स्ट में से आपने माइनस करना है ए आर में से, दैट इज 1/36। कहते हैं अगर ये सब्ट्रैक्ट करें, यानी तीन कंजेक्टिव टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की लेकर उनमें से फर्स्ट टर्म में से 1/2 माइनस करें, सेकंड में से 4/21 माइनस करें और नेक्स्ट में से आप 1/36 माइनस करें, तो रिजल्टिंग टर्म्स किस में आ जाएंगी? इन एच पी, ये हार्मोनिक सीक्वेंस में आ जाएंगी। तो इसके बाद आपने प्रूव ये करना है, सॉरी ये टर्म्स फाइंड करनी है, तीन टर्म्स फाइंड करनी है जबकि इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। प्रोडक्ट कितना गिवन है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/27, राइट? तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 1/27 है। तो अब प्रोडक्ट के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, इट इज 1/27, आर आर से कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब, राइट? तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, तो ये a इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, राइट? तो अब आप इस a को ना ऊपर पुट कर दें a की जगह पे, तो आ जाएगा 1/3 r माइनस 1/2 एंड 1/3 माइनस 4/21 एंड नेक्स्ट वन इज 1/3 इंटू r माइनस 1/36। ये किस में होगा? ये आपके पास होगा जी hp में, ये HP में आगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लें इसका 6R, तो आ जाएगा 2-3R और ये 21, तो 3 7 7 -4 एंड 36, तो ये आ जाएगा 12 3 36 -1 इन HP। ये किस में? HP में। तो अब इनका जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो किस में होंगे? AP में होंगे, तो इनका रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6R/2-3R और 21/7 में से 4 माइनस करें 3, राइट? और ये आ गया 36/12R-1। तो ये अब रेसिप्रोकल लेने से ये किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल्स एपी में चले जाएंगे। तो एपी में जब जाएंगे तो दिस इंप्लाइज जो डिफरेंस होगा 21/3 माइनस 6R/2-3R इक्वल होगा 36/12R-1 माइनस 21/3, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास 7-6R/2-3R एंड दिस इज व्हाट 36/12R-1 माइनस 7। अब आपने क्या करना है? इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है और R की वैल्यू डिटरमिन करनी है, राइट? 2-3R, 7 × 2 - 3R - 6R इज इक्वल टू 36/12R-1, तो दिस इज -7 × 12R-1। अच्छा, तो लेट्स रिव्यू दिस क्वेश्चन। आपके पास ये a बाय r, a a r, ये आपके पास तीन कंजेक्टिव टर्म्स है जीपी में। फर्स्ट में से 1/2 माइनस करना है, फिर 4/21 माइनस करना है सेकंड में से एंड थर्ड में से माइनस, तो ये एचपी में आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट, इन तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 1/27 दिया हुआ है और यही तीन नंबर्स हमने डिटरमिन भी करने हैं, राइट? यही तीन नंबर हमने डिटरमिन करने हैं। तो प्रोडक्ट के लिए तीनों को मल्टीप्लाई, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनमें, ये एचपी में, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे ना, ये खुद एचपी में, तो रेसिप्रोकल्स इसके किस में? एलसीएम लेने के बाद आपने रेसिप्रोकल लेना है। यहां पे अगर आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो इट विल बिकम रॉन्ग, तो आपने ये अवॉइड करना है। सबसे पहले अगर एलसीएम आ रहा है तो आपने सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है एक्सप्रेशन को, और उसके बाद रेसिप्रोकल लेके जो टर्म बनेगी दैट वुड बी इन एपी। तो ये बात आप ज़हन में रखते हुए काम करिएगा। तो अब एपी में, तो एपी में दो कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, इन दो को माइनस किया, इक्वल टू इन दो को माइनस किया, ये आ गया आपके पास। अब माइनस करने के बाद ये आपने ना, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। ये यू कह लें कि वो अलजबरा है जो आप 6 7 8 में करते होते थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे जरा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ गए।
एलसीएम लिया, यहाँ पे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर आके मल्टीप्लाई करने के बाद या सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने करना ये है कि स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद यू विल गेट आर, ये प्लस माइनस दो वैल्यूज आ रही हैं, आप कोई एक वैल्यू पिक कर लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरी भी लेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, सिर्फ जो पहले टर्म है वो लास्ट में चलेगी, लास्ट वाली पहले आ जाएगी। तो सो आप माइनस वाले केस को इग्नोर कर दें, प्लस वाला केस ये यहाँ पे आप बेशक साथ लिख दें हल्का सा, विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें और यहाँ से आर की वैल्यू डिटर्मिन करने के बाद आपने वो तीनों टर्म्स अगेन लिखनी है, ए की जगह एक ही वैल्यू, आर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड टर्म्स जो कि आपने फाइंड करना थी।